assalamu alaikum dear students i hope you are doing well now before jumping into the specifics of o or a level accounting let me first get the opportunity to introduce myself to you this is ahmad raza darolia my students call me ard i have a background in finance i've completed my acca back in 2010 where i scored distinctions in many of the acca papers and in the accounting paper that i'm going to teach you i have secured 100% marks Alhamdulillah and i am also the place winner of few of the cost and management accounting papers those who are familiar with the acca stream i've got distinction in pakistan for acca f5 and acca p5 as well and i've scored 90s marks in 90s in few of my other papers as well now apart from that my two of my students have also secured distinction in accounting one in a level accounting that is gce accounting and sindh balochistan and second student of mine have secured distinction uh, in edexcel stream a level stream okay so, I've been teaching ONA level accounting for the past 10 years now in some reputed ONA level schools of Pakistan. Apart from that, I am also associated with some of the academies in the evening. And other than that, I am also associated with some of the online platforms that has online academies offering video courses that are recorded courses or be it online classes. नाउ इनफ अबाउट मी एंड लेट एस मूव अबाउट एंड सी वॉट द अकाउंटिंग सब्जेक्ट हैजू ऑफर अस थैंक यू अच्छा बेटा अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न पर तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे कोर्स में हम ज्यादातर बाई लैंग्वेल रहेंगे एंड ट्राई टू स्पीक इन उर्दू बिकॉज मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट आर मोर फेमुलर विद उर्दू रादर दैन इंग्लिश सो वील बी टेकिंग उर्दू एज अडियम मोस्ट ऑफ द टाइम ओके सो

So, whether you are appearing for IGCSC 0452 accounting or whether you are appearing for 7707 accounting, it means the same thing. तो तो बेटा वी हैव टू पेपर्स एक एक पेपर 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 है 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 और एक है. जो ड्यूरेशन लिखी हुई आवर मिनट्स सही तो मैं दोबारा लिख के आपका और अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और चूंकि एग्जामिनर ने हमें ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है सारा और पेपर टू की अगर हम बात करें तो वन आवर फोर्टी फाइव मिनट मतलब पौने दो घंटे का ये आपका पेपर है पेपर वन जो है बेटा एमसीक्यूज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और पेपर टू जो है वो हमारा डिस्कसिव पेपर है स्ट्रक्चर्ड रिटर्न पेपर अब एमसीक्यूज आपको पता है बेटा आपके पास जो है वो क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन के चार ऑप्शन होंगे एबीसीडी तो आपको करेक्ट ऑप्शन को क्या करना होगा शेड करना होगा तो क्वेश्चन पेपर अलग होता है सही है और जो शेडिंग करनी होती है वो जो बबल शीट होती है वो अलग होती है तो आप क्वेश्चन पेपर में चाहे जो मर्जी करें सही है जो किससे कहानियां लिखने आपने लिखे रफ वर्किंग करें कुछ भी करें क्वेश्चन पेपर आपका चेक नहीं होगा द ओनली थिंग दैट वुड बी चेक इज द बबल शीट बबल शीट क्या होगी भाई क्वेश्चन नंबर डले हुए होंगे वन से लेके थर्टी uh, टू तक मैं आपको बबल शीट भी यहाँ शो कर देता हूँ बबल शीट भी देखिए बेटा कुछ इस तरह की बबल शीट होती है अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चले हुए हैं क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर और यहाँ थर्टी तक दिए हुए हैं ये पुरानी शीट है अब जो है वो थर्टी फाइव क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में तो ये थर्टी फाइव तक आपके पास आंसर्स दिए होंगे अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है कि आपने पेंसिल से शेड करना है और इस तरीके से शेड करना है जैसे अगर वन का बी राइट आंसर है तो आपने जो है वो बी को शेड करना है और पेंसिल से इस तरीके से शेडिंग होनी चाहिए जिन लोगों ने पहले एम पेपर क्यू किए उनको आइडिया है कि अगर आपने जो है वो इसके बाहर भी नहीं आना चाहिए और ऐसा भी ना हो कि आप ये पूरा फिल ना करें आपने करेक्टली फिल करना है और लाइट हाथ से करना है लाइट uh, इसलिए करना है ताकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको रब भी कर सकें पेन से कभी भी नहीं करना क्यों नहीं करना क्योंकि अगर आपने पेन से किया तो ये जो शीट है ये मैनुअली चेक नहीं होती ये मैग्नेटिक इंक के थ्रू चेक होती है सही और सीआई वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि बंदा मैनुअली जो है वो एक एक आंसर को चेक करे तो ये जो है स्कैनर में डालते हैं शीट आपकी और उसके अंदर पहले से प्रोग्राम हुआ हुआ होता है कि क्वेश्चन नंबर वन का राइट right आंसर ये टू का राइट right आंसर ये थ्री का राइट right आंसर ये तो अगर आपका और सीआई का आंसर मैच होता है तो आपको मार्क अवार्ड कर देता है एग्जामिनर और अगर आपका आंसर मैच नहीं होता तो फिर आपको रॉन्ग वो आंसर बता देता है सही तो मैग्नेटिक इंक पास की जाती है इसमें से और जो आपने शेड किया होगा वहां पे इंक ब्लॉक कर देती है सही वहां से करंट पास नहीं होता मैं आता आपको इसके पीछे की टेक्नोलॉजी बता रहा हूं तो अगर आपने पेंसिल से के बजाय पेन से कर दिया तो नो no मैटर आपने 100 परसेंट सही किया हो पेपर फुल 35 आउट ऑफ थर्टी क्वेश्चन सही हो लेकिन आपको जीरो मार्क मिलेगा सही है और अगर आपने सिर्फ इस पर टिक लगा दिया तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इंसान चेक नहीं कर रहा मैंने आपको बताया मशीन चेक कर रही है तो आपने इस तरीके से इसकी शेडिंग करनी तो ये हो गया बेटा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप जाते हैं दोबारा हम जो है वो अपने क्वेश्चन के ऊपर और हम जाते हैं सिलेबस पैटर्न के ऊपर तो सर यहाँ पे थर्टी फाइव क्वेश्चन होंगे और जो है वो थर्टी फाइव मार्क्स होंगे इसका मतलब वन मार्क वन जो है वो आंसर है इसका मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको एक मार्क अवार्ड किया जाएगा मल्टीपल चॉइस से से पूरे सिलेबस में ये ओवरऑल पेपर होता है सर ये क्वेश्चंस कहां से आते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि थर्टी फाइव में से जो शुरू के फिफ्टीन क्वेश्चन हैं बेटा वो आपके ग्रेड नाइन के टॉपिक्स में से आते हैं ग्रेड नाइन के अकाउंटिंग के कौन से टॉपिक्स हैं जैसे कि डबल एंट्री डे बुक्स ट्रायल बैलेंस बिजनेस डॉक्यूमेंट्स सही है ये जो सारे टॉपिक्स होते हैं जो बेसिक्स वाले बच्चों वाले जिसको

जो आपने शायद पढ़े हों आगे पढ़ेंगे आप प्रूडेंस मैचिंग और इस तरीके से जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं और एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरस्टिक्स एक टॉपिक है जिसमें रेलिवेंस है रिलायबिलिटी है कंपेरेबिलिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी है तो उनमें से एक क्वेश्चन बनता है तो ये एम हो गए सर और ये आपको जो टाइम दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है वन आवर और फिफ्टीन मिनट सही तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें बेटा वन आवर में हो गए आपके सिक्सटी मिनट्स सही और फिफ्टीन मिनट्स और इसमें ऐड कर लें तो टोटल कितने हो गए सेवेंटी मिनट्स हो गए आपके पास सही है जी और 75 मिनट्स हैं आपके पास और आपके पास क्वेश्चन कितने से हैं आपके पास 35 सही है तो अगर हम डिवाइड कर लें तो एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितना टाइम है ऑलमोस्ट टू मिनट्स है सही है दो मिनट्स लगा लें तो सीधा सीधा अगर हम 35 फाइव क्वेश्चन को टू मिनट्स से मल्टीप्लाई कर दें तो सेवेंटी मिनट्स ये बन गए पांच मिनट जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो रीडिंग एंड प्लानिंग टाइम आपको मिल रहा है सही वैसे एमसीक्यू में कोई इतना रीडिंग टाइम की जरूरत नहीं होती आप नॉर्मली बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना शुरू कर देंगे सही है तो ये जो सवा घंटा होता है कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये टाइम कम नहीं है या ज्यादा है क्या है तो नॉर्मली मेरे हिसाब से ये बहुत ही आइडियल टाइम है और मेरे हिसाब से ज्यादा ही है

जो है वो फ्लू फ्लूक मार दें कुछ भी कर दें सही है बस ये आपको जो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन बाद एलिमिनेशन टेक्निक भी इसमें हम यूज़ करते हैं एलिमिनेशन टेक्निक ये है कि फोर आंसर्स हैं और आपको पता है दो ऐसे आंसर्स हैं ये तो हो ही नहीं सकते सही है आपका दिल कह रहा है कि यार ये आंसर्स तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये वाले आंसर्स इसके हों तो आप वो जो दो हैं उनको तो हटा दें सही अब बच गए दो तो पहले आप चार में से अगर एक गैस कर रहे थे तो ट्वेंटी फाइव परसेंट चांस था कि आपका आंसर सही होगा अब दो में से अब आप एक गैस कर रहे हैं तो फिफ्टी परसेंट चांस हो गया है कि आपका आंसर क्या होगा सही होगा

सही है तो अब इसमें डिफरेंट टीचर्स की डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं जो ज्यादातर टीचर्स अप्रोच यूज करते हैं कि पहले वो पेपर टू पे काम करते हैं पूरा जो है वो सेशन और जब पेपर टू स्ट्रॉग हो जाता है बच्चे के सारे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं उसके बाद एंड में पेपर वन की प्रैक्टिस करते हैं सही है और कुछ टीचर्स ऐसे भी करवाते हैं कि हर टॉपिक जो है वो करवाते जाते हैं साथ साथ उसके एम भी करवाते जाते हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कौन सी अप्रोच सही है लेकिन हम लोग जो ज्यादा अप्रोच यूज करते हैं वो फर्स्ट वाली अप्रोच यूज करते हैं जो मेजोरिटी टीचर्स यूज कर रहे होते हैं मार्केट में उसमें यह है कि जब तक बच्चे को हंड्रेड परसेंट कॉन्सेप्ट कर सकता तो इसके लिए हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि पहले पूरा कॉन्सेप्ट कर दें और पूरा कोर्स कवर करा दें एक बार बच्चा कंफर्टेबल हो गया पूरे कोर्स के साथ फिर जब वो एमसीक्यू सॉल्व करने बैठता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है वो कहता है यार मुझे ये भी आता है मुझे ये भी आता है मैंने सब पढ़ा हुआ है लेकिन अगर बीच बीच में आप टॉपिकल एम अगर कंपाइल कर भी लें अपने और मैंने भी किए हुए हैं टॉपिकल एम और वो करवाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है जो बच्चे ने अभी पढ़ा नहीं होता तो बच्चा कन्फ्यूज होता है कि यार जो हमने टॉपिक पढ़ लिया तो हम क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे सही है तो ये दोनों अप्रोचेस यूज करते हैं टीचर्स तो हंड्रेड मार्क का पेपर है इसका मतलब बेटा वी हैव हाँ फाइव क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के होंगे ट्वेंटी मार्क तो फाइव ट्वेंटीज़ आर हंड्रेड तो ये हंड्रेड मार्क का पूरा पेपर होगा जो कि आपका होगा पेपर टू Question will be based on the syllabus content. जो भी पूरा सिलेबस है उसमें से ये होगा अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये बता दे गैस बता दे गैस पेपर बना दे तो पहली बात ये बेटा अकाउंटिंग में कोई गैस पेपर वाली बात नहीं होती थी एक जमाना था जब पेपर टू जो होता था वो 120 मार्क्स का होता था जिसमें आखिरी सवाल जो है वो 40 मार्क्स का आता था जब आपका सिलेबस कोड भी डिफरेंट होता था सेवन डबल वन जीरो जिसको प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स कहते थे जो पुराने बच्चे उनको पता है लेकिन अब जो है वो आपको पता है पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया अब कोई भी फोर्टी मार्क का क्वेश्चन नहीं है सारे क्वेश्चन जो है वो ट्वेंटी मार्क्स के इक्वल सही है तो कहीं से भी कोई भी चीज आ जाती है पहले जो लास्ट क्वेश्चन होता था वो लाजमी फाइनल अकाउंट्स का आता था इनकम स्टेटमेंट और एसओ एफ पी अब ऐसी कोई कहानी नहीं है बेटा पेपर कहीं से भी बन सकता है पूरे सिलेबस में से और आप ये शर्तियां नहीं कह सकते कि क्वेश्चन ये वाला ही आएगा लेकिन ये कि ज्यादातर ये देखा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर वन है वो अभी भी बेसिक्स में से आता है पेपर टू में भी और बेसिक्स में डबल एंट्री डे बुक ट्रायल बैलेंस बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हो गया इसके अलावा प्री पेमेंट हो गया कस्टमर का अकाउंट बनाना हो डेटर का या क्रेडिटर का अकाउंट बनाना हो तो ज्यादातर क्वेश्चन नंबर वन वहां से आता है लेकिन अक्सर वो कैश बुक भी डाल देता है वो भी नॉर्मली बेसिक का टॉपिक ही है सही है ऑपरटी कैश बुक डाल सकता है कैश बुक के साथ वो बैंक रिकन्सिलेशन को ऐड कर देता है तो नॉर्मली ये क्वेश्चन नंबर वन होता है और जो पहले क्वेश्चन लाजमी आता था हर साल वो आता था रेशोज लेकिन अब भी ये देखा गया नए पैटर्न के तहत कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेशोस का पूरा क्वेश्चन आए फोर्टी मार्क का सॉरी ट्वेंटी मार्क्स का बाद क्या होता है कि रेशो पहले हंड्रेड परसेंट आता था पूरा 20 का, लेकिन अब कर रहा है लेकिन रेशोज एक बहुत बड़ा पार्ट है सिलेबस का तो अभी भी आप ये ज्यूम करें कि रेशोज है वो मोर देन प्रोबेबिलिटी है इसकी मोर देन फिफ्टी परसेंट चांस है कि जो है वो टेस्ट होगा सही है जी तो ये हो गया आपका पेपर वन पेपर टू अब हम आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर कोर्स आउटलाइन के ऊपर अच्छा बेटा सिलेबस का थोड़ा सा ब्रीफ़ ओवरव्यू कर लेते हैं वैसे तो अभी आपको अगर आपने अकाउंटिंग अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया तो आपको इतना ज़्यादा टॉपिक्स का आइडिया नहीं होगा लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ कि भाई अकाउंटिंग के टॉपिक्स कौन कौन से सही है ये जो मैं आपको बता दूँ ये जो वर्क है ये मेरी अपनी वर्क है कंपाइल की भी सही है तो अगर आप मुझसे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वेदर के आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं या आप रिकॉर्डेड कोर्सेज की एक्सेस ले रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो हमारा जो अपना प्लेटफॉर्म है लैनिट उसका मैं आपको अभी ओवरव्यू भी दे देता हूं कि वहां पे कौन कौन से कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं वैसे तो खैर सारे ही अवेलेबल हैं लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका हैंड्स ऑन बता देता हूँ तो ये जो वर्कबुक है आपकी ये आपको जो है वो ऑर्डर करनी पड़ेगी अगर आप कराची में हैं तो हमारी अकेडमी है जमजमा पे लर्नोवेड के नाम से वहाँ से आप जो है वो उसको पिकअप करवा सकते हैं किसी को बेच के या खुद आके और अगर आप आउट ऑफ कराची हैं जैसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो है वो लाहौर इस्लामाबाद और डिफरेंट सिटीज से हैं और कुछ आउट ऑफ कंट्री भी हैं जैसे यू आ, आपका यूएई हो गया मिडिल ईस्ट वगैरह सऊदी में हो गए कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे और भी कुछ कंट्रीज से जो है वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं जो हमारे पाकिस्तानी या दूसरे जो है वो कंट्री के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए यह है कि कुरियर की फैसिलिटी अवेलेबल है आप जो है उसकी पेमेंट सबमिट कर दीजिएगा तो हम आपको ये वर्कबुक बुक करवा देंगे अब इस वर्कबुक के अंदर क्या है सर इसके अंदर मेरे अपने कंपाइल किए हुए टॉपिकल पास पेपर्स हैं मेरी कोई अपनी एक्सरसाइजेस हैं जो मैंने खुद बनाई है इसके अलावा सारे कॉन्सेप्ट हैं थ्योरी है फॉर्मेट्स है तो सब कुछ है इसके अंदर और इसके अलावा आपको और किसी चीज़ की फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी अदर देन ईयरली पेपर्स जो कि हम उसको अप्रोच करेंगे बिल्कुल एंड में तब आप देख लें बेटा ये पहला टॉपिक है आपका ओ लेवल अकाउंटिंग का जो कि है बिजनेस डॉक्यूमेंट जिसको सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा रिसीट इन चेक काउंटर फॉल सही है ये सारी चीज़ें क्रेडिट नोट ये सारे होते हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट्स फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आपने शायद पढ़ा हो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई देर आर जो है वो सेवन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री सही है सेल्स जर्नल परचेज जर्नल जिसको सेल्स डे बुक परचेस डे बुक भी कहते हैं रिटर्न इनवर्ड जर्नल सेल्स रिटर्न जर्नल रिटर्न आउटवर्ड जर्नल कैश बुक पेटी कैश बुक द जर्नल फिर इसके अलावा डबल एंट्री है डबल एंट्री पूरा सिस्टम आपको पता है डेबिट क्रेडिट वगैरह सही है और लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स क्या होता है बेटा टी अकाउंट्स होते हैं इसको टी शेप में बनाते हैं इसलिए हम इसको कहते हैं टी अकाउंट या लेजर अकाउंट फिर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक टॉपिक है शायद आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो तो हम आगे पढ़ लेंगे सही है जो एक्सपेंडिचर बार बार होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और जो कभी कभार होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें और बहुत सारी डिटेल्स हैं इसकी स्पेसिफिक्स पे हम आगे जाएंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जैसे प्रूडेंस मैचिंग वगैरह ये हो गया क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हमने पहले बात की है रेलवेंस लाइबिलिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी एक क्वेश्चन लाजमी इसमें एमसीक्यूज में आता है और पेपर टू में भी चीज टेस्ट हो सकती है

तो ये बैड एंड डाउटफुल डेट टॉपिक हम पढ़ेंगे फिर डिप्रिसिएशन है सही है फिर फाइनल अकाउंट फॉर सोल ट्रेडर विद एडजस्टमेंट जिसमें आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है इनकम स्टेटमेंट का बाय द वे जो है वो एग्जामिनर अब नया नाम यूज़ कर रहा है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के लिए नया नाम यूज़ हो रहा है बहुत अरसे से, उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन तो इसमें हम इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और एसओ एफ पी बनाना सीखेंगे उसके बाद वी हैव बैंक रिकन्सिडेशन तो नॉर्मली ये जो वन से लेकर टेन टॉपिक्स हैं ये ज्यादातर स्कूल्स में ग्रेड नाइन और टेन में पढ़ाए जाते हैं वन से लेकर टेन टॉपिक्स है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं लाइव क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड लेसन तो आपको ये सारे कॉन्टेंट की हम एक्सेस देंगे उसके बाद हो गया आपका कुछ इलेवन के टॉपिक्स हैं कुछ स्कूल्स में जैसे बीकन हाउस वगैरह में ग्रेड टेन में कंट्रोल अकाउंट्स भी पढ़ाया जाता है सिटी स्कूल में कंट्रोल अकाउंट जो है वो ग्रेड इलेवन का पार्ट है टेन का पार्ट नहीं तो कंट्रोल अकाउंट में सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है सारे कस्टमर्स का कंबाइन अकाउंट पर लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है सारे सप्लायर्स का कंबाइन अकाउंट देन वी हैव रेशोस एनालिसिस जिसमें हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे और हम देखेंगे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जा रही है या वर्स होती जा रही है जैसे कि जी पी मार्जिन हो गया नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया करंट रेशो हो गया क्विक रेशो हो गया इस तरह के हम कुछ रेशोस कैलकुलेट करके बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने की कंपेयर करने की कोशिश करेंगे देन वी हैव सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो हम पूरे रिकॉर्ड्स हम नॉर्मली बनाते हैं वो डबल एंट्री पे बेस्ड होते हैं लेकिन देर में भी सिचुएशन जब हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स अवेलेबल ना हो ड्यू टू सम रीजन तो फिर हम जा सकते हैं सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के थ्रू अकाउंट्स को कंस्ट्रक्ट करने की हम कोशिश करेंगे फिर एरर्स इन सस्पेंस अकाउंट है अगर अकाउंटिंग में कोई एरर हो जाता है तो हम पेज नहीं फाड़ते हम वाइटो यूज नहीं करते हम उस एरर को अपनी जगह रहने देते हैं और उस एरर का इम्पैक्ट खत्म करने के लिए हम एक अलग से क्या करते हैं जनरल एंट्रीज बनाते हैं और ये कहलाता है एरर्स इन सस्पेंस अकाउंट इसमें दो तरह के एरर्स होंगे एक है एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस और एक होंगे एरर्स दैट डू अफेक्ट ट्रायल बैलेंस फिर देन वी हैव पार्टनरशिप पार्टनरशिप पे हम बात करेंगे कि भाई पार्टनरशिप जब टू और मोर पार्टनर्स बिजनेस में एंटर होते हैं तो उसकी अकाउंटिंग में और जो सोल ट्रेडर है जो हमने पहले पढ़ा था फाइनल अकाउंट फॉर सोल ट्रेडर उसमें क्या फ़र्क है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो 100 परसेंट सेम होती है आगे कुछ आ, एक्स्ट्रा चीज़ें बनानी पड़ती है पार्टनरशिप को जो सोल ट्रेडर नहीं बनाता देन वी हैव कंपनी अकाउंट्स देखेंगे कंपनी क्या होती है कंपनी कैसे डिफर करती है आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा कंपनी के बारे में कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और कंपनी अपने अकाउंट्स थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाती है तकरीबन तो सेम ही है प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह आगे कुछ नई चीजें बनाती है कंपनी जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वगैरह तो यह हम पढ़ेंगे कि यार कंपनी के अकाउंट्स कैसे डिफर होते हैं और कंपनी के अकाउंटिंग क्या होती है देन वी हैव इन्वेंट्री वैल्यूशन इन्वेंट्री गुड्स या स्टॉक आपको पता है ईयर एंड पे जो स्टॉक बच जाता है जरूरी है सारा स्टॉक बिक जाए जो स्टॉक बच जाता है उसको हम कब सेल करेंगे भाई अगले साल तो उसके लिए हम पढ़ते हैं इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करना है उसके लिए कुछ सिंपल रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेंट्री वैल्यू कैसे करनी Manufacturing manufacturing जो है, वो, वो जो खुद जो बनाता है ना कि प्रोडक्ट कहीं और से बाहर से खरीदते हैं तो जो ट्रेडर होता है बेटा ट्रेडर का काम होता है कि गुड्स खरीद के आगे रीसेल करना जो मैनुफेक्चरर होता है वो गुड्स खुद प्रोड्यूस करता है तो हम देखेंगे प्रोड्यूसर की अकाउंटिंग कैसे डिफरेंट है फ्रॉम रिटेलर uh, सही है ट्रेडर तो प्रोड्यूसर के हम ये अकाउंटिंग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे फिर देखेंगे मैनुफेक्चरिंग अकाउंट कैसे बनता है इसकी प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनती है एस कैसे बनती है तो ये और आखिरी बेटा टॉपिक है लास्ट बट नॉट द लीस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट या क्लब अकाउंट क्लब्स एंड सोसाइटीज़ भी कहते हैं तो जितने भी इदारे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट जैसे पाकिस्तान में जो है वो एन जी ओज हैं नॉन गवर्नमेंटल सैलानी वेलफेयर आलमगीर वेलफेयर ऐसी शौकत खानम ट्रस्ट हो गया ऐसे ही बहुत सारे और इदारे हैं जिना हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल है सही है पाकिस्तान रेलवेज हैं तो जितने भी ऐसे इदारे हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट है वेदर वो गवर्नमेंट मैनेज uh, कर रही है पब्लिक सेक्टर में है या वो प्राइवेट सेक्टर में है जिसको मैं और आप चला रहे हैं एन हैं तो उनके जो अकाउंट्स होते हैं कराची क्लब है जिम है सही है तो ये इनके अकाउंट्स में क्या फर्क होता है और इनका तो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं होता मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता तो ये कैसे अपने अकाउंट्स बनाएंगे और कैसे अपने बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन और की परफॉर्मेंस को क्या करेंगे मेजर करेंगे तो ये हो गया बेटा कुछ आपकी बात जो है वो सिलेबस के हवाले से अब हम चलते हैं पोर्टल के ऊपर और जो हमारा प्लेटफॉर्म है लर्नेट उसके ऊपर हम बात करते हैं कि वहां पे अकाउंटिंग का कौन सा कॉन्टेंट आपको अवेलेबल होगा सही तो ये different courses है तो डिफरेंट कोर्सेज हैं तो जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो इसमें सारे कोर्सेज की आपको एक्सेस मिल जाएगी सही है तो अब एक कोर्स स्पेसिफिकली इंग्लिश वाला है ये उन बच्चों के लिए जो international है जो इंटरनेशनल हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको उर्दू बिल्कुल समझ नहीं आती जो वहीं के इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़े हुए तो उनके लिए ओ लेवल अकाउंटिंग कोर्स जो है वो मैंने डिजाइन किया है प्योरली इन इंग्लिश उसमें मैंने एक वर्ड भी कोशिश किया है कि उर्दू का मैं ना बोलूं ताकि वो बच्चे जो समझ सके तो अब यहाँ पे अगर आप देखें कि ऑफ लेक्चर्स भी दिए हुए हैं 182 इसमें अवेलेबल हैं और 43 थ्री आवर्स की टोटल ड्यूरेशन है ये बेसिकली पेपर टू का कोर्स है सही है लिखा हुआ भी यहाँ पे पेपर टू का रिकॉर्डेड टॉपिकल कोर्स सही है और जो बाकी कोर्सेज हैं अच्छा ये एक बहुत अच्छी चीज है ये हमने फ्री रखा हुआ है एम का जो है वो क्विज है अब क्विज में क्या है तकरीबन मोर देन वन थाउजेंड क्वेश्चन इसके अंदर और ये टॉपिकल हैं और जो जो आप जो है वो टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसके एम सी क्यूज ये एक तरीके का क्विज है और ये टाइम बाउंडेड है आपको ये वन मिनट देगा एक क्वेश्चन को अटैम्प करने के लिए नहीं आई गेस टू मिनट्स देगा और उसके हिसाब से जो एग्जाम का टाइम है उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है और इसमें टेन टेन के हमने पैक्स बनाए हुए हैं कि आपके पास अगर टाइम है दस पंद्रह मिनट है तो आप एक पैक इसमें सॉल्व कर लें और जब आपके पास टाइम हो फिर आप एक और पैक कर लें तो हर टॉपिक के कोई पाँच पैक कोई छह पैक कोई दस पैक दिए हुए दस पैक का मतलब टोटल हंड्रेड क्वेश्चन है हमारे पास एक टॉपिक के सही है तो इस तरीके से आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं और आपको वो एंड में बताएगा भी कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस आपके सही हुए और कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए तो ये क्विज जो है वो ये फ्री है ये सारे बच्चे ले सकते हैं वेदर आपने एनरोल किया है हमारे पास या नहीं किया इसके अलावा जो हमारे दूसरे कोर्सेज हैं जैसे आई के रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं पेपर टू टॉपिकल अब तो ओ लेवल और आई सेम हो गया लेकिन बच्चों को एडिशनल प्रैक्टिस के लिए मटीरियल चाहिए होता है तो ये वो क्वेश्चन हैं जब आई और ओ लेवल अकाउंटिंग डिफरेंट होता था तो आई में थोड़े डिफरेंट फ्लेवर के क्वेश्चन आते थे तो आप ये एडिशनल प्रैक्टिस के लिए ये कोर्स जो है वो देख सकते हैं इसमें 164 टोटल वीडियोस है और 28 एट आवर्स इसकी ड्यूरेशन है फिर हमारे पास जो है वो आ, क्रैश कोर्स है अब ये क्रैश कोर्स क्या है क्रैश कोर्स हम रिकमेंड करते हैं ईयर एंड पे सही है जब एग्जाम में आपके पास एक महीना रह गया और आपको पूरा कोर्स रिवाइज करना है तो उसके लिए आप क्रैश कोर्स की एक्सेस ले सकते हैं और क्रैश कोर्स में भी अगर आप देखें 26 सिक्स आवर्स का जो है वो टोटल कंटेंट अवेलेबल है जिसमें द हंड्रेड एंड थर्टीन लेसन है इसमें सारे टॉपिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं स्टेप बाय स्टेप और हर टॉपिक के टू या थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस लेकिन ये अभी रिकमेंडेड नहीं है ये एंड ऑफ द एग्जामिनेशन जब आपका पेपर होने वाला हो एक महीना रह गया हो पंद्रह दिन रह गया हो तो फिर आप इसको अटैम्प कर सकते हैं देन वी हैव सर पेपर वन के टॉपिकल ये जो एम सी क्यूज हैं आई जी सी एस सी के मैंने आपको बताया जब आई जी सी एस सी अलग होता था और अकाउंटिंग अलग होता था तो फिर हमने आई जी सी एस सी के अलग से रिकॉर्ड किए थे ताकि बच्चों को थोड़ा एडिशनल फ्लेवर मिले आई जी सी एस सी में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन अब चूंकि दोनों सेम हो गया है तो ये आपके लिए हंड्रेड परसेंट रेलिवेंट है आप इसमें से टॉपिकल एम सी क्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं फिर हमारा दूसरा जो कोर्स है ये ईयरली कोर्स है अब ये ईयरली कोर्स जो है बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है देख रहे हैं आप इसमें टू थर्टी फोर टोटल लेक्चर्स सही है तो जो बच्चे अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाह रहे हैं लाइव नहीं लेना चाह रहे तो उनके लिए ये जो है वो ईयरली प्रैक्टिस बहुत अच्छी है अब आप देखें यहाँ पे हेडिंग्स बनी हुई है मे 2014 से लेके मैंने सारे जो है वो वेरिएंट्स अटैम्प्ट किए 2014 है मे और नवंबर पे 15 है पे 16 पे 17 18 19 20 21 22 23 24 ट्वेंटी अब देखें 24 तक की एक्सेस आपके पास अवेलेबल है और जैसे जैसे जो है वो अटैम्प आती जाएंगी सही है वी प्लान टू अपडेट दिस कोर्स और हम इसको ऑन गोइंग बेसिस पे क्या करते हैं अपडेट करते हैं सही अब देखें लास्ट जो अटैम्प हुई हुई अभी मार्च अभी जून अटैम्प होगी सही है तो जून अटैम्प जो है वो अभी हो गई है लेकिन हमने इसके अभी कोर्सेज जो है वो रिकॉर्ड नहीं किए अभी इन जब हम प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को इस सेशन में तो हम वो जून के कोर्सेज भी इसमें अपडेट कर देंगे तो ये टू थर्टी फोर जो है वो लेसन अवेलेबल अब आ जाते हैं जो हमारा मेन कोर्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अकाउंटिंग का जो कि टॉपिकल कोर्स है ये वाला सही अकाउंटिंग का डबल सेवन और सेवन टॉपिकल कोर्स पेपर टू तो आप देखें सबसे ज्यादा कंटेंट इसमें अवेलेबल है थ्री हंड्रेड एंड थर्टी वन हमारे पास लेक्चर्स है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से बड़ी जो है वो उम्मीद है कि इससे बेटर आपको कोर्स जो है वो मैं क्लेम कर सकता हूँ पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में किसी ने इस पे इतना काम नहीं किया जितना मैंने किया सही ना गोरों ने अभी तक इस पर काम किया इतना जितना इस सब्जेक्ट पे मैंने काम किया है तो अलहमदुल्ला जो है वो पूरी दुनिया से जो है वो बच्चे ये कोर्स हमारा एनरोल करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे यूडीम भी पर भी आप जाएंगे यू डी डॉट कॉम पर तो वहां पर भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और जो है वहाँ पे प्योरली इंग्लिश में जो है वो कोर्सेज अवेलेबल हैं क्योंकि वो मार्केट अलग है सही है तो 82 टू आर्ट्स के सिर्फ यहाँ पे टॉपिकल वीडियो लेसन है और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो इस वक्त आपको दुनिया में मिलेगा अलहमदुल्ला अकाउंटिंग का वो मैंने बनाया तो इसमें पेपर टू में सारे कॉन्सेप्ट हैं अगर हम इस पर चलते हैं एक बार इसको देख लेते हैं तो जो बच्चे मुझसे लाइव भी पढ़ रहे होंगे उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो साथ साथ आपको ये एक्सेस मिल जाएगी तो उसको साथ साथ आप लेकर चलें जैसे हम जो है वो सबसे पहले अकाउंटिंग बेसिक्स पढ़ेंगे तो अब इसकी ये है कि हर को टॉपिक की यहाँ पे वर्कशीट दी हुई है जो कि पीडीएफ है लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हार्ड कॉपी भी ले लें क्योंकि जब तक आप इसमें रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको वो गेम समझ में नहीं आएगी फिर जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी मार्क्स स्कीम यहाँ पे मैंने आपको अवेलेबल की हुई है यहाँ पे प्रीव्यू दिया हुआ है इसका मतलब ये बच्चे वैसे भी प्रीव्यू कर सकते हैं डेमो प्रीव्यू जिन्होंने अभी एक्सेस नहीं भी ली वो भी ये देख सकते हैं और ये पहला टॉपिक फ्री में पढ़ के देख सकते हैं कि यार मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ और आपको आप मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही

आ, एक फ्री कोर्स भी है अगर जो बच्चे डेमो के लिए लेना चाह रहे हैं अलहमदिल्ला फ्री कोर्स में भी हम पंद्रह घंटों का जो है कंटेंट फ्री में बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो बच्चे ऐसे हैं कि जो कोर्स बाय नहीं करना चाह रहे या उनको सिर्फ बेसिक्स को जो है ब्रश अप करना है और उनको अभी एग्जाम नहीं देना और वो वैसे ही जो है वो अपनी अकाउंटिंग थोड़ी सी स्ट्रांग करना चाह रहे हैं तो उनके लिए रिकमेंडेड है फ्री कोर्स जिसमें सेवेंटी लेक्चर्स जो है वो आप फ्री में स्ट्रीम करके यहाँ पे देख सकते हैं तो आई होप बेटा आपको जो है वो ओ लेवल अकाउंटिंग के हवाले से जो बात समझ में आई और इन मिलते हैं हम अपनी जो है वो लाइव क्लास में या रिकॉर्डेड कोर्सेज की एक्सेस में तो इनशाला इस बार हम एज करेंगे और जैसा कि हजारों बच्चे हमारे जो है वो पहले कर चुके हैं ए स्टार्स और एज ले चुके हैं तो इन मैं होप करूंगा कि अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप लोग भी जो है वो अच्छा स्कोर करेंगे अपने अकाउंटिंग के पेपर में थैंक यू बेटा